सत श्रीकाल दोस्तों, मैं सुखदेव सिंह आप सब का तुहाडे अपने प्रोग्राम मेल मिलाप विच स्वागत करता हाँ। अज असीं पहुंचे हाँ जिला बठिंडा के पिंड करालवाला ते तुहानू मिलवाउण जा रहे हाँ इत्थों दे सरपंच अवतार सिंह ढिल्लों जी नाल। आओ असीं जानदे हाँ इस पिंड की कहानी सरपंच साहब दे जवानी। सत श्री अकाल सरपंच जी। सर तुहाडा स्वागत है साडे न्यूज़ चैनल खबर फास्ट 24 विच। सर असीं जानना चाहुंदे हाँ कि तुसीं सरपंची लैण विच आउण तों पहलां की कारोबार करदे सी। सब तों पहलां तुहाडा इत्थे आउण ते तुहाडे चैनल दा मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिने कि मेरे पिंड दे मेरे विचार सुनने वास्ते तुसी इत्थे पहुँचे। घर आउण ते तुहाडा वेलकम। ते सरपंची ते आउण तों पहलां मैं असीं टूरनामेंट कमेटियां बनी हुई सी साडी 7 मैंबरी कमेटी। असीं कबड्डी दे टूरनामेंट करवाउंदे सी, समाज सेवी कम करदे सी। पिछला प्लान मैं मैंबर सी मौजूदा। मैनूं बहुत ही वधिया वातावरण मिल के मेरे वार्ड चों 77 वोटां नाल जित्तिया। उदों बाद मैं लोगों के काम करवाउंदा रहा, कोई थाने दरबारे कोई पासपोर्टां दे जां कोई भी किसी किस्म का भी काम साडे कोले आउंदा तां असीं करवाउंदे रहे। अकाली दल सरकार च भी असीं आपदे काम आपदे जो नगर दे निवासी सीगे कोई भी सीगा, कोई गरीब आ कोई एससी आ किसी तरह का भी साडे कोले आउंदा सी जिहड़ा, उहदे असीं काम करा के लिआउंदे सी। वह काम कराने तो बाद मेरे अंदर हौली हौली चंगाई पैदा हुई भी आप पिंड के बहुत ज़्यादा काम अधूरे पे जिहड़े कि अकाली दल सरकार वेले नहीं हुए। जिमें कि मेरे पिंड दे विच बगल पए आ पिछले जिहड़े आप फलसां वाले कहिंदे सी खुला ओपन लैटर, मैं उन्हां नूं पार्क बनाउणा चाहुंदा। एक पार्क मैं बना भी दिता, मेरा थोड़े दिनों कंप्लीट हो जाना। छप्पड़ पिया सीगा मेरा 8-9 किल्लियां दा, उहदी मैं पार्टस कर रहा 3 पार्टसां च, एक च गंदे पानी वास्ते बना रहा, दूजे 2 साफ बना रहे फिश वास्ते, ते नगर दीआं मैसां उहदे विच पशु आ जिहड़े उहनां वास्ते अज कल पानी है नहीं नहाउण वास्ते, वह बहुत वधिया बना रहे हैं। असीं उहदे विच घाह घू ला के जिहड़े रस्ते बनावांगे ते साइडां दे फुल ला के ग्रिल ग्रुल ला के उहनूं बहुत ही सुंदर बनावांगे जिहड़ा कि पिंड दी शान बन जाए। ते बूटे सर 1.5 साल हो गया तुहानूं सरपंच बणने नूं, तुसीं पिंड विच की काम कीते? पिंड जिहड़ियां कोई पुरानियां गलियां जां कच्चियां गलियां पईआं सी उहनां 'च लॉक टायर चनवाई, साढ़े जिम सीगा जिहड़ा उहदी बहुत घट सी, जिम तैयार करवाया, उहदे विच समान जो भी उहदा सीगा जिम चालू करवाया। 2 मेरे पिंड शमशान घाट आ, इक जरनल इक ऐसी, इक शमशान घाट 'च तां रस्ता बनवाया लॉक टायर पवा के ते उहदी 4 दुआरी कराई, ते एक शमशान घाट आ जिहड़ा ऐसी उहदे विच सारे जे लॉक टायर पवाई ते उहदा गेट गूट ठीक करवा के वधिया उहनूं तैयार करवाया सुंदर। ते बाकी जो भी पिंड दे जिवें छप्पड़ आ, छप्पड़ 'च असीं बन्न पवाई जांदे आ, हस्पताल वास्ते असीं स्टाफ दी मंग कीती आ। सर तुसीं दस रहे हो हस्पताल दे स्टाफ लई मंग करदे हो, की तुहाडे पिंड विच हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल हैगा, हुण असीं उहदे वास्ते भी मता पा के उहदे वास्ते मंग करांगे। ते स्कूल दे असीं जिहड़े हैगे आ कम स्कूलां 'च वी असीं पूरा उहनां नूं सहयोग दिंदे आ, सफाइयां करवाउने आ समें समें नाल। जिवें हुण करोना दा सीगा, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। 14-14 ਦਿਨ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਪ ਪੰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ, ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਵੱਧ ਸੀ ਉੱਧਰ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਆਪਦੇ।
सर इन दिनों में तुहाडे पिंड नूं की सर इन दिनों में तुहाडे पिंड नूं की मुश्किलों का सामना करना पिया? इन दिनों में सानूं मुश्किलों तो कोई असीं कह भी नहीं सकते, जो साडे कारोबार चलते सीगे पिंडां च, जिवें कि साडा आलू वाला एरिया है, बेल्ट आ जिहड़ी आलू आउंदी आ, उदों सानूं लेबरां दीआं प्रॉब्लमां थोड़ियां थोड़ियां पईआं, असीं उहनां नूं तरीके नाल जिवें दो दो चार चार दूरी रख के उहनां नूं सारा दे के मास्क वगैरह तो उन्हों तो कम कराए, सूँ माड़ा मोटा मुश्किल आई तो नहीं तो चलो पिंड कम निके मोटे चली जाते हैं। सर तुहाडे पिंड नशे के की हालात ने? नशे के पिंड के अड्डो अड्डी सिस्टम आ, मन के चलो भी जोड़े पुराने आ पिछले पला लगे हुए समय के उन्नी आ उदू अप नहीं होती, उदू बल्कि घटाए होटे हो, क्यों असी जो भी नशे वाला पहला जो मैं सरपंच बनया मेरा पहला मुद्दा यही सी भी नशे वाले की तो जो चोरी वाला मैं इन्होंने दोनों की कदे भी मदद नहीं करूँगा, बल्कि करते भी कई कहने होंगे भी कहता देंगे करते भी रेंगे अंदर कद असी इन्हों की कोई भी इदा की मदद नहीं करते। सर तुहाडे पिंड दा सिक्ख्या पद्धर की है? सर तुहाडे पिंड दा सिक्ख्या पद्धर की है? सिक्ख्या पद्धर साढ़े पिंड च दसवीं तक स्कूल एक प्राइमरी स्कूल आ बहुत वधिया, तो उदों बाद जिहड़ा है साडे पिंड दे बच्चे बाहर पढ़ने जाते। सर कित्थे बच्चे पढ़ने जाते हैं? साडे प्राइवेट स्कूल आ एक दून एक डी एम स्कूल, जिहड़ी डी एम स्कूल दी जिहड़े पिंड दी है साडे बहुत वधिया स्कूल आ, वो गरीब दी फीसां पुछां च भी बहुत रखदे आ, उन्हां दा कई फीस भरन दे योग नहीं हुंदे, उन्हां दी मदद भी करदे आ, उन्हां नूं किताबां भी दिंदे आ, बहुत बच्चे साडे आपदे पिंड दे डी एम स्कूल से वाद पढ़ते हैं। सर जो बच्चे फीस नहीं भर सकते उन्होंने तुम की करते हो? असी भी हम मूरे सिस्टम रखे हो डी एम वाले भी मेरी गल हुई है, जे कई बार होंगे तो असं उन्हों का सहयोग कर दें जिन्ना उन्होंने कई बार किताबों का जो उन्होंने कहा हुआ साडा जिते साडी जरूरत है उत्थे सानू दसो। सर तुहाडे पिंड में कोई डिस्पेंसरी है? हाँ डिस्पेंसरी है, यह हस्पताल ही है, वो ही इन्होंने मेडिकल का रखा सीगा, तुहानू पता मेडिकल वाले का बंदी हुंदा है सिस्टम का। सर तुहाडे पिंड विच बच्चों के खेडन लई? खेडन लई एक तो डी एम स्कूल के बहुत वधिया ग्राउंड है, सरकारी स्कूल च भी हैगा ग्राउंड, वैसे वो स्कूलों वाले ग्राउंड ठीक है साफ वैसे करवाते रहने, वैसे घा घू उन्हां च नहीं हुंदा। सर तुसीं साडे चैनल के थ्रू सरकार तो की मंग करते हो? असीं तां इक्को ही मंग करदे हां जी, एक तो जिहड़ा नशे का दौर सरपंचां ने जिवें सरपंच थल्लों हरेक चीज़ की निगाह रखते हैं उपरले भी है जिहड़े वो साढ़े नाल ध्यान रख साडियां चीज़ां च गौर कर, जिहड़े असीं कितें नशे के वर्तलाप लाउने आ जां कई वारी की हुंदा सिस्टम आ नशे वाले नूं रोकना जां होर करना, नशे वाले ने उन्हां दे गैंग भी पैदा हो जाते, उन्हां नाल लड़न वास्ते सरपंच नूं बहुत दलेरी नाल लड़ना पैंदा। विकास पक्षों अपने पिंड नूं कित्थे लैके जाना चाहुंदे हो? विकास पक्षों असीं साडे मन च इदां दी खबर हैगी आ चाहना, जिवें कि साडे गुरु घर दे मूहरे तुसीं देख के आए होंगे जिथे बोर थले बैठे सी बजुर्ग बैठे होंदे, वो गंदा पानी भर के खड़ जांदा कसे टाइम उह दाणा मंडी सी, मैं उहदे विच भी हुण मूहरले दिनां च उहदे कागजी कारवाई करवाई जांदा, पार्क बनाउणा चाहुंदा कसे टाइम उह मार्केट कमेटी कोल सी जिहड़ा मार्केट कमेटी नूं असीं 3 acres दाणा मंडी साइड ते भरी बना के देती फट चिन्हया हुआ, असी उत्थे पार्क इन्ना सुंदर पार्क बनाना चाहते हैं, पिंड दे विच आ सेंटर दे विच आ गुरु घर दे मूहरे आ, साडा ये आ भी उत्थों पिंड दी दिख बदले, नंबर दो ते सानू पिंड दे जिन्ने भी काम आ कि असी पिछला प्लान मैंबर रह चुके हैं, सानू जिथे जिथे खामियां पिंड च पता भी किहड़े काम करन वाले आ, असी आपदे आपदे समय से कोई भी कम नहीं रहन देवांगे, जे सरकार साडा ग्रांटा प्रति जिवें हुण सानू ग्रांटा आउंदियां ऐसे ताईं ग्रांटा दिंदी रही तां असी कोई कम नहीं रहन देवांगे। सर की तुसीं अगली बार भी सरपंची लैण विच आउणा चाहुंदे हो? वीर जी जिहड़े हिसाब नाल मैं पिंडां च कम कर रहा थोड़े समय से मैं बहुत ज़्यादा गलियां जां शमशान घाट जां पार्क जां होर भी पिंड दीआं समस्यावां जिहड़ियां उन्हां नूं मैं बहुत ही वधिया दिलों तनों मनों आप कोले खड़ के कम करवाउणा, मैं किसे ते कम नहीं छड्डदा पहला पिंड तां, नंबर दो ते मेरे कम नूं देख के लोकां दा फतवा मैनूं जिवें पहला मिलिया मैनूं बहुत ज़्यादा वोट ते मैं पहला जितते 600 वोट के करीब जितया, मैं मैनूं फतवा देणगे पब्लिक देऊगी साथ देणगे तां मैनूं कहणगे मैं दूरी हर चोणां लड़ूंगा।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਟਵਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜ ਵਾਲਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਖੂਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ